होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जी हाँ, यंग टैलेंट्स के ऊपर कही गई ये कहावत तन्मय सिंह के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। तन्मय सिंह कौन? 13 साल की उम्र में 268 रनों की शानदार पारी। ये मैच हुआ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में। इसे लोकल न्यूज मत समझिए, क्योंकि जो आज लोकल है वो कल का ग्लोबल है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर वैली के मैदान पर देवराज स्पोर्ट्स क्लब और RRCA के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें देवराज स्पोर्ट्स क्लब ने 35 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 464 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा कर लिया। खास बात यह रही कि इसमें आधे से ज़्यादा रन तन्मय सिंह ने बनाए। 111 बॉल पर 19 चौके और 27 छक्कों की मदद से तन्मय ने 268 रनों की पारी खेली। इसके बाद खेलने उतरी RRCA इस भारी भरकम स्कोर के जवाब में सिर्फ 236 रनों पर सिमट गई। देवराज स्पोर्ट्स क्लब ने इस मैच को 228 रनों से जीत लिया। कहने की ज़रूरत नहीं कि तन्मय के 268 रनों ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। तन्मय सिंह क्रिकेट कोच ललित बिदूड़ी के देख रेख में ट्रेनिंग ले रहे हैं और कोच ने तन्मय के बारे में एक और दिलचस्प बात बताई। कोच ललित बिदूड़ी ने बताया कि ये तन्मय का तीसरा 250 प्लस स्कोर है और अब तक वो 50 से अधिक सेंचुरी मार चुके हैं। तन्मय रोज 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उनके कोच को पक्का यकीन है कि वो भविष्य में और बड़ी पारी खेलेंगे। ये मैच भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन ये पारी वाकई बहुत बड़ी है। ये पारी तब और भी खास हो जाती है जब एक नन्हा खिलाड़ी लगातार बड़ी बड़ी पारियां खेल रहा हो। तन्मय के साथ साथ उनके कोच ललित बिदूड़ी भी तारीफ के हकदार हैं। तन्मय मेरे पास पिछले 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। काफ़ी मेहनती बच्चा है और इसने पिछले 1.5 साल में बहुत इम्प्रूव किया है खुद को। इसने 300-250 बनाई हैं और आज ही इसने 268 रन बनाए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भविष्य में यह ऐसे बड़े स्कोर करता रहेगा और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे भविष्य में यह अच्छा क्रिकेट खेलेगा। इन दोनों को देखकर यही ख्याल आता है कि कहीं ये एक और रमाकांत आचरेकर और सचिन की जोड़ी इन मेकिंग तो नहीं। ये खबर हम इसलिए आपके सामने लाएं क्योंकि हमारा यकीन है कि यंग टैलेंट्स को सही उम्र में सही समय पर पहचान देना चाहिए, यानी कैच देम यंग। न्यूज़नट हर फील्ड के यंग टैलेंट्स को ढूंढता है और अपने प्लेटफॉर्म पर स्पेस देता है, पहचान देता है। अगर आप भी ऐसे